ये हमारा पास जो पुस्तक है ये चैतन्य चरितामृत, इसका इंग्लिश में हम लोग भाषांतर किया है। ये जैसा किताब आप हमारे सामने देख रहे हैं ऐसी 17 किताब से संपूर्ण है और ये सारा दुनिया में बड़े आदर से इसको ग्रहण करते हैं चैतन्य चरितामृत। उसी से आज श्लोक आप लोग को सुनाऊंगा, ये उनके विषय है सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी जो कि रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजी गोपाल भट्ट दास गुरु, ये चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य थे और वृंदावन में रह करके चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको प्रचार किया। उसी धारा अनुसार उनका पदानुसार अनुसरण करके जो हम लोग विचार दुनिया में प्रकट कर रहा हूं ये चैतन्य महाप्रभु का विचार और उनका मिशन जो कि गोस्वामी लोग प्रचार किया था और सभी शास्त्र छोड़ दिया है उसी को हम लोग खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में भाषा में रूपांतर करता हूँ और जर्मन भाषा में फ्रेंच भाषा में स्पैनिश भाषा में ये सब यूरोपियन भाषा, तो किताब हमारा खूब बिकता है। आप सुन के तो आश्चर्य हो जाएंगे कि हम लोग 25 से 30 लाख रुपया किताबें हर महीना में बेचता और इसी में हम लोग का खर्च चलता है। और जैसा ये बालक श्रीमान अल्फ्रेड फोर्ड ये हम लोग को कम से कम 2.5 करोड़ रुपया दिया है, तभी हम लोग का खर्च चलता है। हमारा खर्च है कम से कम 20 लाख रुपया मावल 100 सेंटर है, तो सब भगवान की कृपा से चल रहा है। 1 सेंटर आपका नैरोबी में खुला गया है, उसमें आप लोग सबको अच्छी तरह से सहयोग कीजिए और किताबें पढ़िए और क्या हम लोग मिशन प्रचार कर रहा हूँ उसको समझिए। ये कोई धर्म विशेष का बात नहीं है, असल में यही धर्म है। धर्म क्या चीज है उसको जमराज ने बताया जो कि धर्मराज है, धर्म का विचार कर वो धर्म का विषय उनको जब पूछा गया उनका अनुचर वर्ग जो ये अजामे महापापी थे और इसको हम लोग ले आना था बाकी विष्णु दूत आते इसको रक्षा की और लाने को नहीं दिया, कि धर्म अधर्म का क्या विचार। उस समय धर्मराज बोला था धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म जो है वो जो भगवान जो कानून बता देता है उसका नाम है धर्म और सब अधर्म और सब अधर्म है। इसलिए भागवत में पहले ही बताया है धर्म प्रोज्जित कोई तब अत्र अत्र श्रीमद भागवते कोई तब धर्म प्रोज्जित, प्रोज्जित का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप में उज्जित। जैसे आप लोग कमरे को साफ करते हैं और खूब अच्छी तरह से झाड़ पूछ करके मैला सब निकाल बाहर कर देते हैं, इसी प्रकार जो धर्म नहीं है उसको अच्छी तरह से झाड़ू दे करके निकाल बाहर कर दिया गया है। ये भाव धर्म प्रोज्जित कोई तब अत्र परम निम्न सराना, और ये जो धर्म है परम धर्म वो किसके लिए है, वो निम्नस्तर के लिए जिसको हिंसा नहीं है। हिंसा मत्सरता, मत्सरता का अर्थ प्रकाश किया है सिदर्शानी, मत्सरता पर उत्कर्षहनम असहनम, दूसरे को तरक्की हो रही है उसको देख करके जो जलता है उसका नाम है मत्सरता, पर उत्कर्षणम असहनम,
दूसरे का उत्कर्ष हो रहा है, ये दुनिया का नियम है। अपना भाई कभी तरक्की हो रही है तो उनको भाई देख करके जले थे, दूसरे का छोड़ दी। पर्सन टू पर्सन, व्यक्तिगत तो होता ही है, इन समाज का तो होता है, इन कौम, इन धर्म, हिंदू मुसलमान और फिर नेशनल, फिर पार्टी, ये केवल मत्सर होता, केवल मत्सर। इसलिए ये जो भागवत धर्म है उसके लिए है जो कि मत्सरता छोड़ दिया, परम निर्मत्सर वास्तव वस्तु वेदम, वास्तव वस्तु जो है, झूठा वस्तु नहीं, जो वास्तव वस्तु है उस विषय में, तो वो जो धर्म है, धर्म प्रोजित यही वास्तविक लक्ष्य वस्तु है। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे, मैं धर्म संस्थापन करने के लिए युग युग में अवतरण करता हूं। तो वो धर्म भगवान क्या बताए, जो धर्म का संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं वो क्या धर्म है, वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एतं शरणं, वो धर्म। जितने दुनिया में धर्म सब बनाया गया है ये सब धर्म नहीं है, ये सब कोई तब धर्म, असल धर्म है भगवान में शरणागति। जो भगवान इतना दिन आपको मैं भूल के रहा, और सारा ब्रह्मांड में घूमते घूमते अनेक प्रकार 84 लाख जोनि में भ्रमण करते करते हमारा ज्ञान नहीं हुआ, अब जाकर के आपकी कृपा से तत् प्रसादा मधुसूदन, जैसे अर्जुन बताया तत् प्रसाद, आपकी कृपा नष्टो मोह, हमारा मोह नष्ट हो गया। और क्या मोह नष्ट होकर के क्या करोगे आप, करिष्ये तत् वचनम तव, जैसे आप बोलते हैं वैसी कर, इसका नाम मोह नष्ट। हमारी मन माफी का काम नहीं करेंगे, जो आप बोलेंगे वही कर, भगवान यही बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, हमारा शरणागत हो जाए। तो शरणागत होना माने मतलब क्या होता है, जो भगवान जो कहेंगे उसको मानना, इसका नाम है भक्ति। मन माफी में जो भगवान कहते हैं उसको करो, उसका नाम है भक्ति और उसका नाम है धर्म। जो भगवान का शरणागत हो जाते हैं और भगवान जैसे बोलते हैं ऐसी बात करते हैं वो है भक्त, और जो भक्त हुआ वो मुक्त हो, उसी भगत मुक्त हो गया। जब भगवान उनको पाप से सब मुक्त कर देते हैं फिर मुक्त होने का बाकी क्या है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि तुम शरणागत हो जाओ अहंगत्वा सर्व पापे भव मोक्षयामि। Besa